इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ डिवीजन ऑफ मार्केट्स इनटू, अभी जो मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक है वो इससे पहले वाले पार्ट में शुरू किया था और काफी अच्छे से हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि उस वीडियो में इसका बेस है, ठीक है, उससे आगे क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको जाके देखो, फिर आप इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। और देख ली तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, और शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ मार्केट्स इनटू, जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो डिवीजन है मार्केट्स का, किस में करते हैं वो मार्केट्स को जो डिवाइड करते हैं, सेगमेंट्स में, सब मार्केट्स में, सब क्लासेस में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है, जो मार्केट का डिवीजन होता है, वो सेगमेंट्स में भी होता है, सब मार्केट्स में भी होता है, सब क्लॉजेस भी हम उसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे द मेन पर्पस ऑफ सेगमेंटेशन इज, अभी जो सेगमेंटेशन होती है मार्केट की, इसका जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है, क्लासिफाइंग कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर नेचर, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट एंड क्वालिटीज, टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, हैबिट्स, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, सेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड गोल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी उसको इसका आंसर पता होगा, जो कि है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही पर्पस रहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के पीछे, ठीक है, ये सारे उनके मकसद रहते हैं जिससे वो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, है ना। आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन आर बोथ अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो अलग अलग, मतलब कि अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, फिलिप कॉटलर, वेंडल आर स्मिथ, विलियम जे स्टैंटन, या फिर आर एस डेवर। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर एस डेवर ने ये डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्किल और मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन आर, क्या क्या वो स्किल्स या फिर मेथड्स होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल बायर एज अ क्लास और सेगमेंट, ट्रीटिंग ब्रॉड क्लासेस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ बायर्स बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ दीस। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो ये जो स्किल और मेथड होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के वो ये दोनों ही है, ट्रेडिंग ईच इंडिविजुअल बायर एज अ क्लास और सेगमेंट, जो हर एक इंडिविजुअल या फिर बायर उसको क्लास या फिर एक सेगमेंट की तरह वो ट्रीट करते हैं, और दूसरा है क्रिएटिंग ब्रॉड क्लासेस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ बायर्स, एक ब्रॉड क्लास या फिर कह सकते हैं बड़ी काफी वाइड सेगमेंट वो बना देते हैं बायर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी अबव, राइट। अगला क्वेश्चन है विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी जाती है जिससे वो सिलेक्ट कर सके टारगेटिंग मार्केट या फिर टारगेट मार्केट। अनडिफरेंशिएटेड और ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो वो एक टारगेट मार्केट के लिए सेट करते हैं या फिर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर टारगेट मार्केट सिलेक्शन, जो उनका टारगेट है, जिन कस्टमर्स को उनको टारगेट करना है, उसके सिलेक्शन के लिए उनका क्या क्राइटेरिया रहता है। साइज, रीच, प्रॉफिटेबिलिटी, साइज, रीच, अकाउंटेबिलिटी, साइज, प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर रीच, रिस्पॉन्सिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइज, रीच एंड प्रॉफिटेबिलिटी। साइज भी उनको देखना पड़ेगा, कितना बड़े लेवल पर उनको वो अपना मार्केट जो है ब्रॉड करना है, कितना छोटा करना है, कितने जो भी सेगमेंट वो कर रहे हैं कितना बड़ा करना है, रीच उसकी कितनी रहने वाली है, कहाँ कहाँ से लोग वहां पर आ सकते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी उनको रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो जो क्राइटेरिया उनका रहता है वो साइज और रीच और प्रॉफिटेबिलिटी का रहता है जब वो टारगेट मार्केट सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटेजी टारगेट्स द एंटायर मार्केट विदाउट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सेगमेंट्स, तो कौन सी वो टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है टारगेट जो टारगेट करती है एंटायर मार्केट को, मतलब पूरे मार्केट को, बिना फोकस करे इंडिविजुअल सेगमेंट्स पर, ठीक है। डिफरेंशियल टारगेटिंग, अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, माइक्रो टारगेटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे विच इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है ऐसा जो अफेक्ट नहीं कर रहा है टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी के सिलेक्शन को। ऑर्गेनाइजेशंस, मिशन एंड इमेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्ट्रेटजी क्रिएशंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वो फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता
जो भी टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी के सिलेक्शन रहता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरियन इन टारगेट मार्केट सिलेक्शन। तो टारगेट मार्केट सिलेक्शन में क्या मीनिंग होता है प्रॉफिटेबिलिटी का? लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द मार्केट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द मार्केट, पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग होता है प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरियन का इन टारगेट मार्केट सिलेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाई इज टारगेट मार्केट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों टारगेट मार्केट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है? सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि काफी सारे बड़े 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 ऑप्शन है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो टारगेट मार्केट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो इसलिए होता है जिससे कि इट हेल्प्स इन रीचिंग द राइट कस्टमर्स विद द राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये हेल्प करता है उन कस्टमर्स तक रीच करने में, पहुंचने में, जो सही है उस प्रोडक्ट के लिए और उनकी नीड है उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस की, ठीक है। जो कस्टमर चाहते हैं वो उनको मिल जाता है इस मार्केट सिलेक्शन की वजह से, ठीक है, टारगेट मार्केट सिलेक्शन की वजह से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे व्हाट इज मीन बाय द एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरियन इन टारगेट मार्केट सिलेक्शन। तो क्या मीनिंग होता है एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरियन का? जैसे अभी पीछे था, ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड जो था, ठीक है, तो उसी से इन्होंने हमसे पूछ लिया एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरियन का क्या मीनिंग होता है टारगेट मार्केट सिलेक्शन में। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द मार्केट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द मार्केट, या फिर द प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी इजिली परचेज बाय द कस्टमर। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, द प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी इजिली परचेज बाय द कस्टमर। तो एक्सेसिबिलिटी से आप समझ जाना क्या होगा, द प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है वो इजिली परचेज कर सके जो भी कस्टमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ठीक है, आप कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, बाजार से खरीदते हो, तो प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? ऑप्शंस पढ़ते हैं, आप आंसर दे दोगे। विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर, बाय कंज्यूमिंग विच ही सेटिस्फाइज हिज नीड्स, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो जिसकी कस्टमर को नीड है या फिर कंज्यूमर को नीड है, जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करने वाला है, और By consuming which he satisfies his needs, और जिसको कंज्यूम करके उस कस्टमर की, उस इंडिविजुअल की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ एंड बी अबव, ठीक है। कंज्यूमर को जिसकी रिक्वायरमेंट भी है और जिस चीज से उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाए उसी को प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है हु फर्स्ट यूज द टर्म प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, किसने सबसे पहले यूज किया जो टर्म है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट वर्ड है इस कॉन्सेप्ट को किसने यूज किया? थियोडोर लेविट, विलियम जे स्टैंटन, फिलिप कॉटलर, या फिर आर एस डेवर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, थियोडोर लेविट ने जो सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने यूज किया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे थियोडोर हैज गिवन द डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्या वो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का, क्या क्या डायमेंशन दिए? मैनेजरियल डायमेंशन, कंज्यूमर डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो थियोडोर थे उन्होंने कुछ डायमेंशन दिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के, कौन कौन से? मैनेजरियल डायमेंशन, कंज्यूमर डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, या फिर हम कह सकते हैं सीधा ऑल ऑफ द अबव। आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं, थियोडोर ने जो डायमेंशन दिए थे इनमें से कौन सा ऑप्शन वो नहीं है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, फिर तीन ऑप्शन दे सकते हैं, और एक नहीं होगा कोई, ऑल ऑफ द अबव या कुछ और यहाँ पे लिख देंगे और आपसे कहेंगे बताओ इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इनका दिया हुआ डायमेंशन नहीं है। तो आपको ये तीनों ही ऑप्शन या फिर तीनों ही डायमेंशन जो इनके दिए हुए उनको याद करना होगा, पढ़ना होगा, बेसिकली अपने दिमाग बैठा लो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लें, आप तैयार रहो जिससे कि, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा एक आइडिया मिल सके किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, सिमिलर काइंड के भी वो हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं आता, बस क्वेश्चंस के साथ वो थोड़ा सा खेल जाते हैं, वर्ड्स के साथ वो थोड़ा सा खेल देते हैं, ठीक है, ऑप्शंस वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन चीज वही होती है जो आपने पढ़ी है। बस आप अच्छे से अगर ध्यान से उसको पढ़ लोगे, अच्छे से दिमाग में उसको बैठा लोगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए आप उसको इजीली कर पाओगे आपके एग्जाम में, है ना। आगे है प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज विच इंक्लूड्स द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। जो प्रोडक्ट है वो एक बंडल है यूटिलिटीज का जिसमें इंक्लूड होते हैं वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इट। तो जो भी प्रोडक्ट सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बंडल है यूटिलिटीज का जिसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? डब्ल्यू एल्डरसन, फिलिप कॉटलर, विलियम जे स्टैंटन, या फिर आर एस डेवर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डब्ल्यू एल्डरसन ने ये स्टेटमेंट दी है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने के लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, जिस चीज को खरीद कर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसकी हमें नीड है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायर,
इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर्स प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडियरीज या फिर बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। ठीक है, तो जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, जो सेलर है, जो प्रोडक्ट है और जो उसकी इंटरमीडियरीज है, जो भी एक पूरी चेन बनी थी होलसेलर रिटेलर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हालांकि थोड़ा सा अजीब सा ये मुझे क्वेश्चन लगा, थोड़े ऑप्शन भी इसके अजीब से थे। फिलहाल ऑप्शन सी इन्होंने हमें दिया है आंसर, बोथ ए एंड बी ऑफ, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो बायर और सेलर प्रोडक्ट्स के जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने गलत पूछ लिया, बाकी ठीक था। ठीक है, तो ये थे कुछ और आई के एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के। मेरे पास काफी सारे लोगों की कमेंट्स आई कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पर वीडियोस चाहिए, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स पर वीडियोस चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोस चाहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के, किसी न किसी सब्जेक्ट के, किसी न किसी सेमेस्टर के, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स देख के, जब आप डिमांड करते हो इस वीडियो की, उस वीडियो की, उस सब्जेक्ट की, तो वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितनी भी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं आपकी कर सकूँ। मैं पहले से ही कमिट करता हुआ आया हूँ जब से मैंने इस चैनल की शुरुआत करी है, और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, है ना, आप लोगों की हेल्प करना। और जितना मेरे से होगा मैं आगे भी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, जो भी वीडियोस की आपको नीड है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से बस आप भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो, है ना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।